तो सिक्योरिटी एनालिसिस चल रहा था। अब सिक्योरिटी एनालिसिस में एक ऐसा क्वेश्चन डाला गया है, एक ऐसा क्वेश्चन जो सिक्योरिटी एनालिसिस का नहीं है, इस अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नया क्वेश्चन। और किसी भी चैप्टर में प्रैक्टिस मैनुअल ओल्ड सिलेबस का और न्यू सिलेबस का एसएम कहीं भी कवर नहीं है। मैं कौन से सिलेबस की बात कर रहा हूँ, न्यू सिलेबस की इस अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन जो उठाया गया है वो सी ए इंटर से उठाया गया है। हालांकि वो क्वेश्चन ना इतना ईजी है कि आपने ना जाने कितने बार किया होगा, लेकिन फाइनल में नहीं किया, आपने सी एंटर में किया होगा, तो वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर ले। ऐसे ही कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो मुझे डिस्कशन करना है। तो बाकी इस अटेम्प्ट के पेपर में तो बिल्कुल ईजी पेपर था, कुछ था ही नहीं, बस एक क्वेश्चन नया था, वो नया क्वेश्चन मैं यहाँ करवा देता हूँ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या नया था। नया तो कुछ नहीं था, सीए इंटर में पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट के साथ, और उस चैप्टर जो पढ़ा है उस चैप्टर का नाम था कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें हम ये सोचते थे कि जो हम पैसों का अरेंजमेंट करेंगे, कहीं प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है तो जिन पैसों का हम अरेंजमेंट करेंगे उन पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से किया जाए, क्या डिबेंचर इश्यू कर दिया जाए, या इक्विटी शेयर इश्यू किया जाए, या प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया जाए, या बैंक से लोन लिया जाए, कहाँ से पैसों, कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह से मेंटेन किया जाए, ये सब कुछ डिस्कस करना है। अब एक बात बताइए बेटे, बिल्कुल को पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूँ, फिर तो क्वेश्चन में कुछ नहीं। एक सिंपल सी बात है, अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, तो बताइए क्या अच्छा, डेट ज़्यादा अच्छा कि इक्विटी ज़्यादा अच्छा? सर, डेट अच्छा या इक्विटी अच्छा? अच्छा, डेट में आपको, अगर आप डिबेंचर से डेट से पैसे लेते हैं तो क्या आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? हाँ, चाहे आप कमाइए चाहे आप मत कमाइए, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन आप इक्विटी शेयर होल्डर से पैसे लेते हो तो आपको टेंशन ही नहीं, कमाएंगे तो सब बांट के, और नहीं कमाएंगे तो बात ही खत्म हो गई। तो क्या अच्छा अब आपके मन में आता होगा, हालांकि फाइनल लेवल में तो ये बातें मुझे डिस्कस नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी आपके मन में आता होगा, सर इक्विटी अच्छा। बेटे सोचो, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाने वाला हूँ, सपोज अगर मैं 10 लाख कमाता हूँ और डेट से पैसे लेता हूँ, तो इंटरेस्ट मान लो मुझे देना पड़ेगा, मान लो जितना भी है इंटरेस्ट है, मान लो 50,000, तो मुझे 50,000 देना पड़ेगा। अगर मैं 20 लाख कमाता हूँ, भगवान ना करे बिजनेस अच्छा चले, अगर मैं 20 लाख कमाता हूँ तो भी इंटरेस्ट मुझे कितना देना पड़ेगा, 50,000 ही देना पड़ेगा। अगर मैं 50 लाख कमाता हूँ तो भी इंटरेस्ट मुझे कितना देना पड़ेगा, 50,000। जबकि इक्विटी में ऐसा नहीं है, इक्विटी में जितना भी कमाओगे, क्योंकि आपके इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ जाएंगे तो वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा कमाओगे तो भी आपको वो पैसा बांटना पड़ेगा। क्या अच्छा सर, इक्विटी अच्छा? बेटे इक्विटी अच्छा, मान लो नहीं कमाए तो, मान लो इक्विटी अच्छा है, इक्विटी कब अच्छा है, अगर आप नहीं कमा रहे हो, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कमा रहे हो, बहुत ज्यादा, तो फिर क्या अच्छा, फिर इक्विटी अच्छा नहीं, फिर डेट अच्छा, ये प्रॉब्लम है। डेट से पैसे उठाए कि इक्विटी से, बड़ा सा चैप्टर है, वहां किया होगा, मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता। पहले क्वेश्चन पढ़ते हो, मैं क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करूंगा। लिखा हुआ है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ मैसर्स टीएस लिमिटेड, रुपीज इन करोड़ में दे रखा, पीबीआईटी दे रखा है 5 करोड़, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 करोड़, इंटरेस्ट ऑन डेट है 10%, मतलब अभी कमा रहे हो भाई, कमा रहे हो, इसमें से इंटरेस्ट ऑन डेट, तो क्या इस कंपनी में पहले से इन्होंने डेट से पैसे उठा के रखे? हाँ, इसलिए तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, 1 करोड़, जो कि है 10%, तो बताओ डेट कितना होगा, बच्चों वाला काम है। सर 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 10%, 10 करोड़, टैक्स है 25%, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 3 करोड़। नंबर ऑफ शेयर्स दिया है 40 लाख, नंबर मतलब 0.4 करोड़, ईपीएस निकाल के दे दिया है, मार्केट प्राइस दे दिया, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, तो प्राइस अर्निंग रेशियो भी दे रखा है 10 टाइम्स। ठीक है, ये अभी की सिचुएशन है। टीएस लिमिटेड हैज अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व कितना रुपए, 8 करोड़ रुपए अभी रिजर्व रखा हुआ। कंपनी रिक्वायर 3 करोड़ फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपांसन विच इज एक्सपेक्टेड टू अर्न द
सेम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज प्रेजेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट. अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा, समझ रहा. सुनो बच्चों सुनो, ये है आपकी कंपनी. ओके सर. और सर हमने पैसा उठाया है. यस. आपने पैसे किन किन लोगों से उठाए? सर हमने एक तो पैसे उठाए हैं किससे? इक्विटी शेयर होल्डर. और पैसे किससे उठाए हैं? डिबेंचर होल्डर्स. दो लोगों से आपने पैसे उठाए हैं, इक्विटी शेयर होल्डर से और डिबेंचर होल्डर. क्योंकि डिबेंचर होल्डर है आपके, डेट है तो डिबेंचर होल्डर होगा. इक्विटी शेयर होल्डर कितने रुपए के? सर 40 लाख × 10, तो 4 करोड़ के हमारे पास इक्विटी शेयर. इट मींस मैंने लोगों से पैसे उठाकर प्रोजेक्ट में लगाया है. पर सर आप ये मान के चल रहे हो कि शेयर फेस वैल्यू पर इश्यू हुए होंगे. इट मींस जो 400 लाख है, 4 करोड़ रुपए से उतना ही लगाया होगा. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो शेयर है वो प्रीमियम पर इश्यू हो गए. हाँ, इसलिए मुझे रिजर्व भी तो जोड़ना पड़ेगा. और हमारे पास रिजर्व कितने का है? 8 करोड़. तो टोटल मिलाकर 12 करोड़ रुपए ये, और डेट 1 करोड़ इंटरेस्ट है जो कि, तो 10 करोड़ रुपए ये. तो टोटल कितना करोड़ हो गया? 22 करोड़. तो साहब इन लोगों से आप ऑलरेडी कितना पैसा उठाया है? आपने 22 करोड़. और 22 करोड़ आपने प्रोजेक्ट में लगाया है. इस प्रोजेक्ट में 22 करोड़ लगाया है. और 22 करोड़ लगा के आप कितना कमा रहे हैं? EBIT. पांच करोड़ जो कि ये दिया है. तो कहानी अभी इतनी है कि आप 22 करोड़ लगा के आपने 5 करोड़ रुपए अभी कमा रहे हैं. ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा खासा काम चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं. बताओ आपका इन्वेस्टमेंट कितने का है? 22 करोड़. या फिर दूसरी लैंग्वेज में बताइए आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 22 करोड़. अगर मैं इसको इन्वेस्टमेंट नाम दूं या फिर इसको मैं कैपिटल एम्प्लॉयड नाम दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं. ठीक है सर, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. 22 करोड़ हम लगा चुके हैं और 22 करोड़ लगा के हम कितना कमा रहे हैं? 5 करोड़. पर क्या ऐसे ही चलने देना चाहिए? नहीं. अब हमारे मन में आया है यार, चलो ना यार, जब कमा ही रहे तो और लगाते हैं इस प्रोजेक्ट में. और कितना लगाते हैं? हम सोच रहे क्यों ना प्लस एडिशनल 3 करोड़ रुपए और लगाते. 3 करोड़ उस पे भी कमाएंगे. सोच के बताना, उस पर हम 5 करोड़. अब आगे से हमारी कमाई 5 करोड़ होगी कि उससे ज्यादा होगी? उससे ज्यादा होगी, उससे ज्यादा होगी, कोई शक ही नहीं है. कितनी होगी ये सवाल है हमारे मन में. अभी क्या हमारे मन में ये है कि यार एक काम करते हैं, 22 करोड़ तो लगा है, 3 करोड़ और लगाते हैं, तो टोटल कितना लग जाएगा हमारा? 25 करोड़. और उस 25 करोड़ पे जो कमाई होगी वो 5 करोड़ नहीं होगी, अब उससे ज्यादा की होगी. कितनी? तो जितनी अभी, जितना अभी रिटर्न कमा रहे हैं ना उतना ही. मतलब सर, मतलब बोलो बेटे, यूनिटरी मेथड आता है, यूनिटरी मेथड तो भी चल जाएगा. सोचो कितना कमा रहा है? 5 करोड़. कितना लगा के? 22 करोड़. तो अब यूनिटरी मेथड, 22 करोड़ लगाकर अगर हम कमाते हैं 5 करोड़, तो 25 लगा दे तो 5 से ज्यादा आएगा. इट मींस हम पहले क्या कर ले, वैसे फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल रहे या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. कितना कमा रहा है? 5 करोड़. कितना लगा के? 22 × 100, 5 / 22, तो ये आ गया 22.73%. दिस इज रिटर्न. तो 25 करोड़ लगाएंगे, उस पे कमाएंगे 22.73%. बस कुछ और है, यही बात. अब सुनना, यही बात यहाँ लिखी हुई है, मैं रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ. देखा,
टीएस लिमिटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व 8 करोड़, द कंपनी रिक्वायर कितने की जरूरत है 3 करोड़ फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपांशन विच इज एक्सपेक्टेड टू अर्न, विच इज एक्सपेक्टेड टू अर्न द सेम रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज प्रेजेंट। यहां तक ठीक है, ठीक है ना सर? दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि कितने पैसे चाहिए, 3 करोड़। 3 करोड़ आएगा कहां से? सबसे इंपॉर्टेंट, इट मींस मुझे कितने पैसों की जरूरत है, मुझे चाहिए 3 करोड़। अब 3 करोड़ पे आएंगे कहां से? 3 करोड़ लगा तो दोगे सर, 3 करोड़ उठाना तो पड़ेगा। अब 3 करोड़ पिट में, यहां नीचे वाली पार्ट पहले पढ़ रहा हूं, दी रिक्वायर अमाउंट इज रेस्ड थ्रू डेट। या तो आप 3 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट डेट से करोगे, या तो पैसों का अरेंजमेंट इक्विटी से करोगे। इफ द रिक्वायर अमाउंट इज रेस्ड थ्रू इक्विटी, यही बात लिखी हुई है, या तो डेट से करोगे या तो इक्विटी से करोगे, ठीक है। अब वापस आ रहा हूं, हाउएवर इफ द डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, बोल रहा अगर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कितने परसेंट से ज्यादा होगा, 35%। अगर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब डेट ज्यादा, और डेट ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा, और रिस्क ज्यादा है तो फिर तो दिक्कत है। दिक्कत क्या हो सकता? सुनना ध्यान से, अगर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो ज्यादा होगा तो जो डेट होल्डर होगे, डेट वो तो साफ साफ कहेंगे भैया बड़ा है आपके यहां तो पहले ही बहुत ज्यादा उधार ले रखे हो आपने पब्लिक से, हमने कहा हाँ, तो बोले अब हम आपको पैसे उधार नहीं दे सकते, और देंगे तो आपसे इंटरेस्ट उतना नहीं लेंगे जितना अभी ले रहे, हम आपसे ज्यादा चार्ज करेंगे, जितना हम बाहर लोगों से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे ना, जिस रेट से, उससे ज्यादा रेट से आपसे चाहिए। इट मींस डेट के बढ़ने से आपका नुकसान है। पहला लॉस है कि डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो बढ़ेगा ना तो फिर तो यार दिक्कत हो जाएगी। डेट वाले भी जो अगर हमारे यहाँ को डेट वाले पैसा देंगे ना तो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और दूसरा, प्राइस अर्निंग रेशियो कम हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, वैल्यू ऑफ शेयर गिर जाएगा, सीधी सी बात है, वो लोग भी आपको ज्यादा पैसे क्यों देंगे। तो यहां लिखा है अगर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो 35% से ज्यादा होगा तो प्राइस अर्निंग रेशियो एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन 8 times हो जाएगा। अभी कितना है 10 times, बोले गिर जाएगा और 8 times हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट कितना होगा 14%, और अभी यहां डेट कितना है 10, अभी तो 10 में काम चल रहा है ना, लेकिन बोले आगे से 14%। गिवन दिस डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द कंपनी वुड प्रेफर, व्हाई एंड व्हाई। पहला, अगर पैसा किसके थ्रू उठा रहे हो, इससे अगर रिक्वायर अमाउंट इज रेस्ड थ्रू इक्विटी, लेकिन ये जो शेयर है वो इश्यू कितने पे होगे, 25 रुपए में इश्यू होगे। सवाल क्या है सर, क्वेश्चन क्या है, मांग क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट एक ही है कि 3 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट कहां से किया जाए, डेट से किया जाए या इक्विटी से किया जाए, और जिसमें शेयर वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, जिस भी अल्टरनेटिव में वेल्थ ज्यादा मैक्सिमाइज होगी वो अल्टरनेटिव मेरे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे बेनिफिट तो शेयर होल्डर का ही देखना पड़ेगा। और सर शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे निकालोगे, प्राइस, भाई शेयर का प्राइस, शेयर की वैल्यू, और सर शेयर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो बताया स्टेटमेंट, वैसे ही निकालेंगे। एक बात बताओ, चाहे आप डेट से पैसे ले लो, चाहे आप इक्विटी से पैसे ले लो, EBIT तो 5 करोड़ से ज्यादा ही आएगा। हाँ, कोई जहां पैसा लगा रहे वो ये थोड़ी देखेगा कि पैसे कहाँ से उठाए हो, पैसा लाओ और कमाओ। हाँ, तो हम 25 करोड़ का 22.73 कमाएंगे, 73% कमाएंगे, चाहे हम पैसे का अरेंजमेंट कहीं से भी करें। स्टेटमेंट यही बनेगा सब कुछ। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा वैल्यू पर शेयर, और जिस अल्टरनेटिव में वैल्यू पर शेयर ज्यादा आएगा वो अल्टरनेटिव हमारे लिए बेटर होगा, ठीक है। तो सर ये चैप्टर तो कैपिटल स्ट्रक्चर का, हाँ बेटे कैपिटल स्ट्रक्चर है सीए अंडर का, और सच बोलूं तो मुझे यहां करवाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए क्वेश्चन, पर ठीक है, नया है यार, डाल दिया जाए। स्टार्ट करें, ठीक है सर, कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन प्रेजेंटेशन कैसे, पहले एक वर्किंग नोट नंबर 1 बताते हैं, और वर्किंग नोट नंबर 1 में हम ये सब दिखा देते हैं कि यार रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है और एस्टिमेटेड PBIT कितना है।
उसके बाद काम करते हैं। ठीक है सर, लिखोगे वर्किंग नोट नंबर वन। कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड ईबीआईटी। ठीक है, तो सर सबसे पहले क्या करें, पहला डॉट लगाओगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए पर ठीक है, लिख देता हूँ मैं। कितना कमा रहे हो अभी, 5, कितना लगाकर 22 इनटू 100, 22.73%। और दूसरा काम कर लेते हैं, एस्टिमेटेड ईबीआईटी ट्वेंटी टू, तो पहले से 3 और 22.73%, तो यहाँ गया 5.6825 करोड़। इसका मतलब है कि आप पैसों का अरेंजमेंट चाहे डेट से करें, चाहे पैसों का अरेंजमेंट आप इक्विटी से करें, कमाओगे इतना ही, 5.6825 करोड़। ठीक है जी, अब हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं और स्टेटमेंट बना के काम करें। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर, या फिर इसको मैं क्या बोल रहा हूं, मार्केट प्राइस पर शेयर। हमारे पास दो अल्टरनेटिव है, पहला अल्टरनेटिव अगर पैसों का अरेंजमेंट डेट से हो रहा है, अगर पैसों का अरेंजमेंट इक्विटी से हो रहा है। ठीक है, ओके सर, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एस्टिमेटेड ईबीआईटी जो कि आपने वर्किंग नोट नंबर वन में बना रखा, 5.6825 करोड़, 5.6825, इसमें से माइनस क्या होगा, इंटरेस्ट। और याद रखना इंटरेस्ट जो ओल्ड डेट का है, ओल्ड डेट,
ओल्ड डेट तो पहले से डेट है, चाहे नया, बात है सुनो, ये डेट और ये अल्टर एडिशनल फंड की बात है कि एडिशनल 3 करोड़ रुपए डेट से लेके इक्विटी से, बाकी पहले से जो 10 करोड़ है तो वो चाहे आप यहां से चाहे यहां से किसी भी अल्टरनेटिव से पैसा लगाओ, वो 10 करोड़ तो आपका ऑलरेडी उठा हुआ है, इट मीन्स वो 1 करोड़ तो आपको माइनस करना ही पड़ेगा। न्यू डेट, कितना रुपए? 3 करोड़ इनटू, इसमें नहीं आएगा। अब सवाल यहां के खड़ा हो गया, 3 करोड़ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लूं, 10% या 14%? और वो डिपेंड किस पे करता है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। ओके सर, तो अब एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और वर्किंग नोट का नाम रहेगा वर्किंग नोट नंबर 2। कैलकुलेशन ऑफ डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, फॉर्मूला क्या है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। दो अल्टरनेटिव ले लेते हैं, दोनों में चेक कर लेते हैं। अगर पैसा कहां से उठा रहे हो, डेट से, तो भाई ऐसा है कि डेट पहले से कितना था, 10 प्लस नया कितना आ गया, 3, और इक्विटी पहले से कितना कितना था, 4 करोड़, और रिजर्व कितना, 8 करोड़। तो देखा जाए तो 13 करोड़ ये है और 12 करोड़ ये है, तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो 13 डिवाइडेड बाय 25 इनटू 100, 13 डिवाइडेड बाय 25 इनटू 100 आंसर आ गया 52%। ये तो 35% से ज्यादा पहुंच गया भाई। सर इक्विटी ऑप्शन में भी चेक करना पड़ेगा कि वैसे तो नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ती, पर पता नहीं भाई इसमें भी बढ़ गया तो फिर दिक्कत है। डेट से 10 करोड़ आएंगे, इक्विटी 4 ये, 8 ये और 3 ये, तो आगे 15। देख लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 परसेंटेज निकल जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 तो ये आ गया 40%। ओहो, इट मीन्स दोनों में बढ़ गया, यस। तो बस इसको लिख लेते हैं, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इज 35%, हेंस कॉस्ट ऑफ न्यू डेट इज 14% एंड प्राइस अर्निंग रेशियो इज 8 times। ये वर्किंग नोट हमको बीच में करना पड़ा क्वेश्चन की, क्योंकि जरूरत वहीं पड़ रही थी, बस बाकी तो ये कर ही लोगे।
यहाँ पे आ जाए तो बोलो बताओगे सर कितना परसेंट लेना पड़ेगा? सर जी 14%, 3 × 14% आगे 0.42। अब जो आ गया इसका नाम रहेगा अर्निंग बिफोर टैक्स 5.6825 - 1 - 0.42, तो ये आ गया 4.2625। और यहाँ कितना आ जाएगा 4.6825। इसमें से माइनस क्या करोगे? इसमें से माइनस करोगे टैक्स, और टैक्स का रेट कितना है 25%। 4.2625 का 25% ये आ गया 1.0656, और 4.6825 का आ गया 25% 1.1706। तो अब आ गया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स 4.2625 - 1.0656 3.1969 4.6825 - 1.1706 3.5119 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यहां तो नए शेयर इश्यू हो नहीं रहे, और पहले से 40 लाख मतलब 0.4 करोड़ है, और यहां कितने हैं भाई पहले से 0.4 तो पहले से, और कितने पैसों की जरूरत है? 3 करोड़। एक शेयर कितने में इश्यू हो रहा है? 25। निकालो हिसाब किताब कर लो भाई कितना हो रहा है। 3 / 25 + 0.4 = 0.52 करोड़ EPS आ जाएगा 3.1969 / 0.4 = 7.99 3.5119 / 0.52 = 6.75 चलेगा 5 × मल्टीप्लाई किससे करेंगे? प्राइस अर्निंग रेशियो, और दोनों ही अल्टरनेटिव में 8 times रहेगा। तो अब जो आएगा उसका नाम रहेगा MPS, सेवन पॉइंट नाइन नाइन इंटू एट सिक्सटी थ्री पॉइंट नाइन टू 6.75 × 8 54। सवाल ये है कि कौन सा अल्टरनेटिव में शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा, किस में शेयर का वैल्यू ज्यादा आ रहा? डेट अल्टरनेटिव में। तो क्या अच्छा है? डेट अल्टरनेटिव इज बेटर, बस ये चीज लिखना है यहां। हो गए डेट ऑप्शन इज बेटर ड्यू टू हायर मार्केट प्राइस पर। तो ये क्वेश्चन था जो कि है नहीं, था नहीं कुछ, बहुत इजी क्वेश्चन था, और इसके लिए तो पूरा चैप्टर ही था। याद करो EBIT, EPS, इंडिफरेंस लेवल वगैरह निकालते थे, सी एंटर का क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया। चलो ठीक है, एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आ सकता है।